नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत कर रहे हैं रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बीजेपी का न्याय यात्रा पर निशाना सामने आया है। न्याय यात्रा में बौखलाहट दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है यात्रा में भीड़ नहीं है और इसलिए सभी बौखला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो इससे पहले न्याय यात्रा को लेकर तमाम हमले कर चुकी है, इस श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ी गई। बीजेपी की तरफ से सीधा निशाना इस ओर कि न्याय यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं, इसलिए कांग्रेसियों में बौखलाहट है। और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के द्वारा जो न्याय यात्रा लेकर जो चल रहे हैं, उस न्याय यात्रा में उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है, क्योंकि सामान्य रूप से यात्रा में जो भीड़ उपस्थित होनी चाहिए, जो दिखनी चाहिए, जो जन समर्थन मिलना चाहिए, वो जन समर्थन का अभाव। और रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां राजीव मितान क्लब बंद होगा, विधानसभा में मामला उठा है, अनियमितता को लेकर हंगामा किया गया है। राजस्व मंत्री ने जांच की बात कही, उनकी तरफ से कहा गया कि राजीव युवा मितान को बंद कर रहे हैं, रकम का दुरुपयोग किया जा रहा है, ऑडिट भी कराएंगे, जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन मामले को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, उसका यह असर कि खुद बैकफुट पर आना पड़ा, रकम का दुरुपयोग हुआ है, इस बात का जिक्र किया गया। कुल मिलाकर राजीव युवा मितान क्लब को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में बढ़ गई है। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, उनकी तरफ से भी निशाना, उन्होंने कहा कि योजना बंद किए जाने की घोषणा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, योजना में भ्रष्टाचार की बात बिल्कुल बेबुनियाद है। राजीव युवा मितान ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो नौजवान साथी थे, नवयुवक साथी थे, उनको किस तरह से राष्ट्र की कार्यों में जोड़ना है और शासन के कार्यों को किस तरह से गांव में पहुंचाना है और हमारे सांस्कृतिक, हमारे साहित्यिक कामों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उन्हें ट्रेन करने की एक व्यवस्था राजीव युवा मितान के द्वारा की जा रही है। माननीय मंत्री द्वारा इस घोषणा को बंद किए जाने की खबर निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्वक है, मैं इसकी निंदा करना चाहता हूँ। और रायपुर विधानसभा का जिक्र एक बार फिर से, जहां तस्करी का मामला भी उठा है, विधायक राम कुमार अग्रवाल ये मामला उठाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि गौठान की व्यवस्था पर सीधे सवाल है, बीजेपी के पास अभी तक कोई व्यवस्था ही नहीं है, उमेश पटेल की तरफ से कहा गया। गाय तस्करी के मामले पर सदन में भी भरपूर हंगामा बरपा, विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को ठीक से व्यवहार करने की हिदायत दी। बुलंद हो गई है और उनको सरकार का संरक्षण है। गौ तस्कर की हौसले इतने बुलंद हैं कि राजधानी की सड़कों से गौ तस्कर करते गुजर रहे हैं, 100 गौ माता कंटेनर के अंदर और 13 की हत्या कर दिया गया है, जिसमें सरकार उसकी जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्यजनक है, जब हमारे कार्यकाल में एक भी गाय की मौत होती थी तो पूरा विपक्षी दल विधानसभा को सर पे उठा लेता था। आज सुना है आमानाका थाने में एक कंटेनर में 100 से भी अधिक गायों को पकड़ा गया है और उसमें से 13 गायों की मृत्यु हो चुकी है और अभी तक न गृह मंत्री उसमें कुछ बयान दे रहे हैं, न उनके अन्य मंत्रीगण बयान दे रहे हैं। थाने में लगे रहे और कार्यवाही करने में बहुत देरी। और दुर्ग का जिक्र करेंगे, धर्मांतरण पर जमकर बवाल मचा है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है, पिटाई की तस्वीरें वायरल हुई और उसके ठीक बाद पास्टर की पिटाई को लेकर जो बवाल है वो बढ़ता चला गया। थाने की तस्वीरें भी आप देखिए किस प्रकार से पहले मारपीट होती है, उसके बाद कई ऐसे लोग जो आक्रोशित भी रहे इस पूरी घटना को लेकर, पास्टर की पिटाई का विरोध कर रहे थे। फिलहाल उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं,
कार्यकर्ता जब इस बात को स्पष्ट कर रहे थे कि धर्मांतरण का आरोप है इस व्यक्ति पर और इसीलिए मारपीट की जा रही है, पादरी के साथ मारपीट की गई है, आक्रोश पहले पक्ष की तरफ से भी जमकर। और इस घटना का असर भी देखने को मिला। आईजी ऑफिस ईसाई समाज के लोग पहुंच गए, कार्यालय का घेराव कर दिया, आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठाने लगे। तस्वीरें आपको उसी समय की हम दिखा रहे हैं जब आईजी ऑफिस पर ईसाई समुदाय के लोग पहुंचे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी, जिससे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे उस समय की भी। आरोपी के धर्मांतरण का शक होने के चलते ही पादरी की पिटाई कर दी गई, ये कहां का न्याय है? वो बहुत ही कुछ निकाल इधर आ।